मिलती है जो रात्रि में है ना, जो गया और बकरी के साथ है ना, जो बकरी चिल्लाई तो हमने देखा, जब देखा तो ये बकरी को है ना जो पकड़े था है? बोले मैं कौन कह कुछ करा रहा था, हमने कि ये बोरा क्यों ओढ़े आप, बोरा भी ओढ़े था, देख के भाग गया बकरी के साथ क्रूरता कर रहा था। हाँ, बकरी के साथ क्रूरता कर रहा था, और जब जब देखा गुप्त अंग पे उसके सूजन बिल्कुल। हम बताएं तो अभी आप थाने में शिकायत की थी आपने? शिकायत की थी, कल हमारा साला है ना जो भैया का वो खत्म हो गया था मलहरा में, वहाँ गए थे, फिर हम जब लौट के आए फिर हमने शिकायत की। अभी आप कहाँ आए हैं? अभी अस्पताल में आए, अस्पताल में एमएलसी करवाने, एमएलसी करवाने आए। श्रीमान ने बोला कि डॉक्टर साहब है नहीं है, एक बजे तक आएंगे तो फिर एमएलसी हो जाएगी आपकी। ये थाना लक्ष्मी नगर से एक लेटर मिला था कि ये फरियादी लक्ष्मी कुशवाहा जी हैं, उनकी एक तंग बकरी थी तो किसी ने दो दिन पहले इससे अपन संबंध बनाए थे, तो उसके संदर्भ में हमने इसका मेडिकल परीक्षण किया, जांचों की जांच की, तो उसमें पाया बाहरी तौर पर तो लग रहा है कि जो है सूजन है वहाँ पर टांगों की, लेकिन और इसके फर्दर आगे कंफर्मेशन के लिए अपन को ये है कि इसका जो सैंपल लेके अपन भोपाल जो अपनी साइंटिफिक लेवल की है तो वहाँ पर जाके इसके नमूने बनवाएंगे, उसके आगे करेगा। इसमें लक्ष्मी कुशवाहा यहाँ नगर के निवासी हैं, रात्रि के समय जहाँ इनकी बकरियाँ बंधी रहती थी वहाँ पर एक लड़का आरोपी पहुँच गया था, जहाँ वो बकरी के साथ क्रूरता करता हुआ दिखाई दिया, जिस पर उस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत और भविष्य में की जा रही है। तत्कालीन समय पर उसके लिए संज्ञेय अपराध की परिकल्पना ऐसा लगा कि वो गठित कर सकता है संज्ञेय अपराध, तो उसको धारा 151 के अंतर्गत गिरफ्तार कर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।